जय जोहार, स्वागत है अपन के खबर 36 में। मैं हूँ अपन के संग गंगोत्री। तो चला खबर मन ला देखबो विस्तार ले। कांग्रेस सरकार ला लबरा सरकार बता के किसान मन ले करे वादा खिलाफी ला लेके छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी है कोरबा जिला में पत्रकार वार्ता लेके राज्य सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए है। पत्रकार वार्ता के दौरान अमित जोगी कहिस के सरकार बेरोजगार मन ला रोजगार नहीं दे पाके ट्रांसफर उद्योग बन गए। कोनो भी आईपीएस आईएएस अधिकारी 3 ले 4 महीना तक टिक नहीं पावत है। मतलब साफ है कि 2 बच्छर में कांग्रेस सरकार फेल हो गई। सरकारी नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में तो जो छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की रक्षा करने वाली सरकार है, आदरणीय श्री भूपेश बघेल की सरकार, वो इस तरह का कानून क्यों नहीं लागू कर रही है। किसानों को 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन अभी उस वादे से पूरी तरह मुकर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा खरीदे, भाजपा चाहती है कि कांग्रेस खरीदे, दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो छलावा कर रहे हैं। मेरा ये सीधे मानना है कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि उठे एक एक दाना, कम ना पड़े बारदाना, एक मुश्त 2500 रुपया दिलाना और किसानों को बिचौलियों से बचाना। ये 4 जवाबदारी है सरकार की है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। आज से 2 वर्ष पहले सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ये कसम खाई थी कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी, लेकिन 2 सालों में उन्होंने शराबबंदी के नाम पर शराब का दाम, शराब का ब्रांड, शराब काउंटरों की संख्या, शराब दुकानों की संख्या सब बढ़ा दी है। पूरे छत्तीसगढ़ को शराब मंडी बना दिया है और मेरा उन पर सीधा आरोप है कि प्रदेश में आधी शराब पूरी तरह से ब्लैक में बेची जा रही है।